आपका निकाह हुआ इसके साथ, आपकी बीवी है, आपको देखो ये तो जिम्मेवारी उठाना पड़ेगा ना, इतना तो। अरे आपको रॉन्ग नंबर है सर, बच्ची भी मेंटल निकली इसकी, दोनों को सताए भाई मेरे, डबल से परेशानी हो जाएगी फिर। इन्ने साल बाद मां मिली आ, भी इंसान की फितरत किदां दी हुंदी जांदी आ, मर्द नूं होई होवे तां औरत उहदी सेवा करे, ते जे औरत नूं हो गई आ तो मर्द ने बड़ा एक सौखा है लफ्ज बोलिया भी क्या करूं मैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। ये भैन फातिमा सानू 10 फरवरी 2024 लुधियाने बस स्टैंड के बाहर मिली, बहुत ही हालत माड़ी सी भैन दी, तन दे उत्ते पूरे कपड़े भी नहीं सी, ते टॉयलेट वाशरूम बिचे कीता होया सी, अपसेट सी बहुत ज़्यादा। अज साडे टीम मैंबरां दी मेहनत ते कोशिश सदका इस भैन दा घर लभ्या वा जी, हुण महीने तो उपर हो चलिया भैन नूं साडे को आई नूं 1.25 महीना, अगे नो काफी ठीक भी है भैन, पर मेंटली समस्यावां हजे पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। पर इन्हें फिर अपना घर का एड्रैस दस्या, नाम पता दस्या, फिर साडे टीम के मैंबर ने अश्विनी बाई जी उन्हां दी कोशिश सदका अज इन्हां दे हुण असीं घरे गल करांगे, देखदे हां अगों की रिस्पोंस मिलदा वा। तुसीं गल कीती सी घर इन्हां दी, इह दस्या सी इहने अपना ना, इहने दस्या सी वड्डी मस्जिद हैदराबाद, ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਖਤੀਜਾ। ਅਨੀਮਾ ਫਾਤਿਮਾ। ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਜਾ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਜੀ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ ਜੀ, ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਫਾਤਿਮਾ ਹੈ ਜੋ, ਵੋ ਆਪਕੇ ਕਿਆ ਲਗਤੇ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਬਾਤ ਹੀ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਬੱਲੇ ਹੈ। आपकी मदर है और भाई साहब वो कब से घर से बाहर है, कब कितना देर पहले घर से घूम गया था? ये बहुत दिन हो गया सर बाहर निकल के घर से। कितना देर? बहुत काम हो गया, करीब करीब कितना हो गया? करीब करीब 6-7 साल हो रहा बाहर निकल के। हो 6-7 साल से बाहर है तो अभी आपको पता लगे हुए भी कितना दिन हो गया, फिर आप लोग आए क्यों नहीं भाई? भाई जो है अकेला बंदा हूँ घर में, चावल से फसल। अरे भैया आपकी अम्मी है, देखो आपकी अम्मी 7 साल बाद मिल रही है आपको, आपको फोन किया हमने 7 तारीख को, 7 तारीख को हमने फोन किया। मेरी बात सुनते जी, मेरी हालत क्या है बोले तो, मेरे को मायने भी 40-50 हजार ये माना जा दो तो कंप्लीट करके निकली मैं यहाँ से, बोलते भाई वो प्लानिंग में बैठा हुआ था। नहीं भाई साहब हम आपका नाम पाशा जी, देखिए ऐसा है हम आपकी इतनी मदद कर सकते हैं, हम आने जाने का टिकट का भाड़ा दे सकते हैं, आपका टिकट हम करवा देते हैं, और कोई आपका गूगल पे नंबर बता दीजिए, हम उसमें 2-3 हजार रुपया डलवा देते हैं, हम इतना कर सकते हैं भी आप अपनी अम्मी को मिलो। देखो वो बिल्कुल ठीक नहीं है दिमाग से, वो आपको बहुत इंतजार करती है, आपके बारे में बहुत बात करती रहती है, और जिस हाल में हमें मिली थी ना वो बिना कपड़े के वो लुधियाना बस स्टैंड पे बैठे थी, पता नहीं उसने कितना तकलीफ झेला होगा इस 5-6 साल के अंतराल में जो आपसे दूर हुए हो गया इनको, तो आप थोड़ा इस बात को समझिए। अभी आपको कॉल किया हमारे टीम के मेंबर, 7 तारीख को, आज 23 तारीख हो गया, 15-16 दिन हो गया भाई हमने बताए हुए आपको। सही बात है, आपको भाई आने के लिए बट
नहीं, अल्लाह अल्लाह ताला भी तभी तो मदद करेंगे ना यदि तुम कुछ करोगे भाई। तुम्हारी माँ है, अम्मी है, तेरे को इस दुनिया में लेके आने वाली जी अम्मी है। अच्छी भी है, बच्ची भी है। हाँ फातिमा बात करना चाहो अपने बेटे से, बात करो, करो बात। हेलो पाशा है, पाशा पाशा। हेलो सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हाँ खैरियत। अच्छा अच्छी है बेटा। वहाँ कैसा जाएगा? मैं गुम गई बेटा, बहुत दिन हो रहा गुम के। बस स्टैंड से ला लिए थे, मैं घूम गई थी ना, मैं ला लिए दूसरे जन में, चार आदमी ला लिए थे, चार आदमी ला लिए थे, घूम गई थी, भेजा दिए तो आ जाएंगे। हेलो पाशा जी। भाई साहब आप कितने भाई बहन हो? भाई दो ही छह, एक बेटा एक बहन। ओके उनको बताया आपने? बहन की शादी हो गई, बहन ना। अच्छा उनका शादी हो गया है, चलो उसकी अम्मी से एक बार बात करवा देते ना फोन पे, तो इसको भी थोड़ा सली हो जाएगा ना, अपनी बेटी से बात करेगी तो। तो पाशा भाई आप बताइए हमें, आपको भाड़े की दिक्कत है तो हम आपको गूगल पे कर देते हैं पैसा, आने जाने का भाड़ा, तो आप हमें नंबर गूगल पे दे दीजिए अपना। पैसे तो नहीं है मेरे पास। आप क्या काम करते हो भाई? क्या काम करते हो आप? क्या? मैं कार मैकेनिक हूं। कार मैकेनिक हो आप? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। और आपके अब्बू क्या काम करते हैं? वो कलर का वर्क करते थे, इससे पहले मस्जिद में वर्क करते थे। हैं जी कलर मार, पहले कलर का काम करते थे। हाँ अभी जो है मस्जिद का काम कर रहे, मस्जिद में काम करते हैं। अच्छा मस्जिद में काम करते हैं अभी, पहले कलर का काम करते थे। ठीक है ठीक है ठीक है पाशा भाई, ठीक है। इनकी पुरानी फोटो है आपके पास कोई पुराना फोटो? उनका एक दो फोटो तो भेज दीजिए ना हमें, कम से कम हमें तसल्ली हो जाएगी कि इसका घर मिल गया है। राशन कार्ड की फोटो भेज दो, आधार कार्ड की फोटो भेज दो, और कोई किसी की शादी। ठीक है ठीक है। और किसी का कोई पुराना शादी का फोटो होगा, इनका कोई फोटो भेज दीजिए पुराना थोड़ा, है ना, भेजिएगा पाशा जी। धन्यवाद धन्यवाद पाशा, धन्यवाद। 6-7 सालां तो अपने परिवार तो अलग हुई फातिमा, अज अपने बेटे नाल गल करके हटी है। अज इंसान दे विच मतलब किद्दां दी एक एक नवे तरीके की एक पैदा हुई है, एक इनू मैं लफ्जां च भी मेरे तो बयान नहीं हो रहा भी, एक एक्साइटमेंट ही नहीं माँ की गल करन दे, इन्ने सालां बाद माँ मिली आ भी, इंसान की फितरत किद्दां दी हुंदी जांदी आ। नहीं तो मतलब एक जिन्ना मर्जी बंदा पत्थर दिल होवे ते जिहदी माँ गुम जावे, माँ जिन्नी मर्जी माड़ी होवे ते पुत ने एक बारी भी एक्साइटमेंट च गल नहीं की, हाल चाल चज ना भी नहीं पुछया, चलो ये तो ठीक नहीं हैगी इन्हां दी तां समस्या जिहड़ी चल ही रही है। जिवें बेटे ने भी दस्या भी अगे भी घरों चले जाते सीगे कई बार दरगाहां तों लैके आंदा भी, इन्हां दी आदत बनी हुई है दरगाह ते जाण दी, ते फिर उत्थे ही रह पैना, उत्थे ही सौ जाना, उत्थे ही खाणा पीणा हो जाणा, क्योंकि ठीक नहीं हैगे तां ही ये कर रहे आ। पर अज दा इंसान देखो किद्दां दा मतलब हो रहा, मतलब उन्हें कोई फर्क ही नहीं पै रहा किसी चीज़ के नाल, है ना। पता लगे उन्हें 7 तरीक का पता लग्या होया, उन्होंने अज 23 तरीक नूं असीं वीडियो बना रहे हैं, ये देखो तो पहला असीं वेट की सी भी चल आई जाना भी आया नहीं मिलावे, है ना, तो हुण जदों इन्ने दिन उपर निकल गया, अज अश्विनी बाई जी ने गल की, वो कहिंदे भी
मैं कई बार कॉल कर चुका वा, मतलब इदा के साथ किन्ने ही मैंबर ने जिन्हों के परिवार असी लभ लए ने, उन्होंने गल भी हो गई आ, लैके जाना तो दूर गल भी नहीं करते, हूँ वो मिलन भी नहीं आते, मतलब असी है तो असं इंसान ही हाँ, चाहे कोई यूपी रहा, चाहे कोई पंजाब रहा, चाहे कोई बिहार च रहा, चाहे कोई आसाम च रहा, साडा किदां दा रवैया हो जा रहा एक दूसरे के प्रति, ये बड़ी यानी कि दुखदाई गल है। इस करके अरदास करो अल्लाह मेहर करे साडी फातिमा दीदी अपने बच्चों के बीच जावे। फातिमा दीदी तू जाना चाहती है घर? हाँ चले जाएंगे। तू घर से क्यों निकल जाती है? तेरा बेटा बताता था तू घर से पहले भी कई बार चले गए, क्या होता है दिमाग में? कहीं मन जैसे दरगाह पे जाना होता है? हाँ दरगाह पे जाते हैं। वहाँ पे क्या करते हो दीदी? वहाँ पे बोला तो ज़ियारत करते, फूल चढ़ाते हैं। अच्छा फूल चढ़ाते हो? हाँ। फिर वहीं पे रहना चालू कर देते हो? वहीं सड़क पे रोड पे सो जाते हो हैं दीदी? हाँ। वहीं सो जाते हो फिर? हाँ। छह साल से कहाँ कहाँ रहे इतनी? तो बरिच दरगाह की तरफ रह जाते थे। अच्छा ये कहाँ पड़ती है? हैदराबाद की तरफ पड़ती है। हैदराबाद? हाँ हैदराबाद की तरफ। हेलो हेलो बोलो। हाँ जी सलाम वालेकुम जी। सलाम वालेकुम। हाँ जी मैं गुरप्रीत सिंह बोल रहा हूँ भाई पंजाब से, आप कैम खालू बोलते हो? हाँ बोलो। आपका जो पत्नी है ना जी फातिमा, वो हमारे जहाँ लुधियाना में हमें मिले थे, हमारा एनजीओ है, तो जी अभी एक डेढ़ महीना से हमारे पास ही रह रही है जी, हमें बहुत खस्ता हालत में जो मिले थे रोड से, बहुत बुरी हालत थी बहन की। तो आपके जो पत्नी है आपकी कितनी देर से घर से निकले हुए हुआ इसको? इनका नाम क्या नाम है? फातिमा। नहीं नहीं अच्छे साहब। है जी? नो नो। क्या नो? ये बात कीजिए, बात नहीं होता, नहीं होता। बात करो बोलो। हेलो फातिमा, कौन फातिमा? बात करो अच्छे से। हेलो मैं हूँ तुम्हारी अम्मी। हेलो घर वाला है? घर वाला। हेलो पाशा की मम्मी बोल, पाशा के डैडी बोल रहे हैं जी, पाशा के डैडी। पाशा के डैडी बोल रहे हैं। अरे रॉन्ग नंबर है सर। आपके बेटे का नाम पाशा नहीं है? नहीं 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 है साहब, नहीं है, सॉरी। ठीक है भाई। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल खय्यम है। अब्दुल खय्यम ही बोल रहे हैं ना? ये खय्यम बोल रहे हैं ना? हाँ अब्दुल खय्यम ही बोल रहे हैं, बाप से फोन लगाया है आपको। आपकी घरवाली का नाम फातिमा है ना? सॉरी सर। आप कहाँ से रहते, कहाँ रहते हो? हैदराबाद में नहीं रहते आप? बड़ी मस्जिद हैदराबाद, महावीर दवाखाना। हाँ आपके बेटे से भी अभी हमारी बात हुआ, आपके बेटे का नाम है खाजा पाशा। अच्छा खाजा पाशा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा आप ही का बेटा है ना खाजा पाशा? हाँ मेरा बेटा है। हाँ तो उसकी माँ है जो इससे बात कर रहे हो आप फातिमा से? ये समझ में ना, किधर से भी है वो? आपके घर वाली घर से निकल गया था, घूम गया था ना? अरे भाई बहुत दिनों से बाहर वाले बाहर निकल जाते थे, उनके अम्मा का छोड़ जाता था मैं। हाँ कितना देर पहले निकला घर से वो? बहुत दिनों से, मतलब उनके अम्मा के घर में लिखा के छोड़ जाता नहरे लेवल के। हाँ कितना साल पहले की बात है? नहीं बोले तो कम से कम 10-12 साल की बात है। 10-12 साल से? आप कभी मिले इसको फातिमा को? नहीं मिले उन्होंने मेरे से कभी। तो आपके बच्चे की माँ तो है ना, एक बेटा और बेटी है आपके, आपके निकाह हुआ था इसके साथ? हाँ, तो अभी आप हमें बोल रहे हो तो नो नो रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है। तो ये क्या है सच्चा भाई, समझ नहीं आ रहा मेरे को। नहीं भाई साहब आपकी पत्नी की आवाज, आपकी जो इसके साथ आपका निकाह हुआ, आपकी बीवी की, उसको लिख जाके मैं इसकी अम्मा का ना छोड़ जाना है रे बोल के, समझे ना?
जी अभी हमें लुधियाना से मिली थी, बहुत हालत इसकी खराब थी, इसका दिमाग भी ठीक नहीं है, ये रोड पे रहती है बेचारी। नहीं समझ में आया था। गलती हो गया क्या? मैं अपनी जाऊंगी घर से, अब ठीक रहूंगी मैं घर पे, ठीक रहेंगे हम, अब नहीं आप लोग आओ, आप नहीं घूमेंगे, ठीक रहेंगे। तो खाजा पाशा आतुम बोला? हाँ आते बोले, करते आते बोले, आता हूँ बोला। तो कहाँ, किधर है तुम? पंजाब में? पंजाब में लुधियाना, लुधियाना में। तो फुटपाथ पे बैठे हुए हैं? फुटपाथ पे कहीं को बैठेंगे? हाँ कहाँ पर है फिर? दूर पे है बोले तो करा बोलो। अच्छा तुम कैसा आ गए उसकी दूर तक? रास्ता भटक गए, कोई दूसरे जने लाए चारा पकड़ के ला। गुम गई थी मैं बस स्टैंड पे, बस अड्डे पे गुम गई थी मैं, रास्ता भटक गई थी। ठीक है, खाजा पाशा आए बाद बात करेंगे, ठीक है ना? अच्छी बात है, मैं भी रोजे हूँ, रोजाना ठीक है, हाथ में पैसा नहीं है, दुआ करो। हाँ दुआ करना, पैसा मिले उनको, उनके हाथ में पैसा आए, ठीक है? नहीं साहब मैं समझा के बेदार आ गया, नहीं रहती तो रोडों पर फिर भी थी जी, बगैर बोले निकल जाती थी, मैदी पटना पर बढ़ जाना, नीचे बढ़ जाना, नालियों में बढ़ जाना, एक बच्ची की शादी मच करा बहुत मुश्किल से जी, बच्ची भी मेंटल निकली इसकी, दोनों बहुत सताए भाई मेरे को। नहीं इसकी बेटी नहीं, बेटी तो आपकी भी उतनी है, इसकी अकेले की थोड़ी ना बेटी, बात तो ये है आप इसका इलाज करवाना पड़ेगा, अब इसका दवाई चलता है हमारे पास, ये बिल्कुल ठीक है, आगे भी इसका दवा चलेगा तो ठीक रहेगी जी। अच्छा हाँ, आप लोगों ने इसका दवा दारू नहीं करवाया, इसीलिए आप तांत्रिक वंत्रिक के चक्कर में पड़ रहे, तो और बढ़ती गई प्रॉब्लम, आप लोगों को इसका दवा चलाना चाहिए था, अभी हम इसको दवा दिला रहे हैं, अभी बहुत ठीक है, आप अपने बेटा को भेजिए इधर, उनको बोलो आके मिल के जाए, ठीक है, दवाई खाती रहेगी तो बिल्कुल ठीक रहेगी जी, घर से नहीं जाएगी अब बाहर, रोना नहीं है दीदी, रोना नहीं। अच्छा अच्छा क्या करेंगे साहब, हमारे को नौकरी नहीं है, हाथ टूटा हुआ है, फिर भी मजबूरी से मैं काम करते करते मेरा भी हाथ टूट गया, मैं मस्जिद में कर रहा हूँ काम, मस्जिद में बहुत कम तनख्वाह है मेरे, जब कलर के काम आकर। हमने ना आपके बेटा को भी बोला था भी आने जाने का कोई भाड़ा का जरूरत है, हम भाड़ा भेज देंगे, आप लोग हमें गूगल का नंबर दे दीजिए, हम उसमें थोड़े पैसे डलवा देंगे ताजो आप लोग इधर आ सको हमारे पास, और देखो आपकी आपका निकाह हुआ इसके साथ, आपकी बीवी है, आपको देखो ये तो जिम्मेवारी उठाना पड़ेगा ना, इतना तो फिर बच्चे की शादी करना है, वो करना है बोल के बहुत तड़पता था ना, सीधा रहे तू, नको करे था, अच्छे रहे तू, बाहर निकल कर किधर भी हमारी अम्मा की सहेली है वो है ये बोल के निकल जाती थी, मेरे को भी जीने का मौका नहीं मिला, उसकी उन्हें रोड पे फिरने वाली खींचेज रह दी, इसकी इसकी भाज निकाल के हकाल दी बाहर घर में से, नहीं रह रही बोल के हकाल दी ना उसकी भाज भी। चलो अब आपको हम यही बोल रहे हैं, अब इसका दवा चलेगा तो ये ठीक रहेगी बिल्कुल, हम दवाई इसका जो होगा ना वो मुफ्त मिलेगा आपको, कोई खर्चा नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, आने जाने का हम भाड़ा भी देंगे आपको, हर बार जब इसको दवाई दिलाने के लिए आप लोगों ने आना है हमारे पास तो ये बिल्कुल ठीक रहेगी। अच्छा अच्छा, तो अभी आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आप थोड़ा इसको सपोर्ट कीजिए, तो आप भी बुजुर्ग हो रहे हो, उम्र बढ़ रही है, आपकी भी जरूरत है, और ये बिल्कुल ठीक है, और दिमाग से भी अब ठीक रहेगी, ये दवाई चलती रहेगी, आप लोगों की सेवा है करेगी, घर चलाने में आपकी मदद करेगी जी। सही बात है। एकदम अचानक घर नहीं मिल सकता था, आप क्या करना होगा तो मैं बोले तो कम से कम 7-8 हजार किराया है,
फिर इसके तरफ से घर अपन कोशिश करेंगे, बोले तो भी क्या है वो घर भी मिलना मुश्किल हो जाता। कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे कुछ करिए, ढूंढिए घर, भाई भगवान अच्छा करेगा, अल्लाह ताला मेहर करेगा, आप कोशिश करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। क्या है फिर से कोशिश करना बोले तो किराया कहाँ से लेंगे, घर जाती नहीं है, इन्हें फिर बाहर निकल के रोडों में फिरना शुरू कर देंगे, फिर डबल से परेशानी हो जाएंगी मेरे को, इन्हें रहती नहीं रहती सब भरोसा नहीं है हमारे जोर का। ये नहीं भरोसा तो आपको करना पड़ेगा, आपका थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो आप जी बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपकी जरूर। ठीक है साहब, देखेंगे इंशाल्लाह, मेरे हाथ में पैसे भी नहीं है साहब। चलो अल्लाह मेहर करे आपके हाथ में पैसे आए तो फिर आप इनको आकर मिलके जाइएगा। अच्छा नाम क्या है एरिया का? लुधियाना जिला है, लुधियाना पंजाब। अच्छा जिला पंजाब। हम आपको एड्रेस भेज देते हैं, वैसे आपके बेटे को पाशा को हमने लिख कर भेजा है सारा नाम पता, तो अच्छा। आपको भी भेज देते हैं, कोई बात ठीक है इंशाल्लाह जी। अच्छा ठीक है, यही प्रॉब्लम जे मर्द नू हुई होवे तो औरत उहदी सेवा करे, तो जे औरत नू हो गया तो मर्द ने बड़ा एक सौखा है लफ्ज बोलिया भी क्या करूँ मैं, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। ये साडा अज दा समाज आ जिहड़ा, ये साडे अज दे समाज दी ये तस्वीर आ जिहड़ी तुसीं देख रहे, साडी असल सोच, साडी अंदरों रूह अंदरों मरदी जा रही है, वो एक दूसरे के प्रति वो प्यार, वो एक दूसरे के प्रति जिहड़ा नजरिया ही बदलता जा रहा। पहला बेटे ने गल की, उहदी गल च कोई थोड़ा जिहा भी प्यार नहीं नज़र आया, हुण पति ने गल की आ उहदी गलबात दे विच भी कोई रोजे रखियां दा की फायदा, जिहदी जिम्मेवारी अल्लाह ने दित्ती आ उहनू दसां बारां सालां बाद फोन ते गल करन तों बाद भी उहनू कोई फर्क नहीं पिया कि मेरी वाइफ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਲਟਾ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸਾਡੀ ਫਾਤਿਮਾ ਭੈਣ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਬਤੀਤ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਇੱਥੋਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ, ये सारे दुआ करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु।